चलिए आ जाएंगे सारे बच्चे, फटाफट आ जाओ भाई, किड लाइफ के साथ जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे बच्चे। हाँ ठीक है फटाफट आ जाएंगे। चलिए नमस्कार नमस्कार भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करेंगे फिर हम अपना प्रोग्राम, बच्चों जल्दी जल्दी आ जाएंगे। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं सारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग भाई, जल्दी से बता दो सारे, एक बार कमेंट कर देंगे फटाफट। हाँ चलिए ठीक है जी, ओके जल्दी जल्दी सब बच्चे शेयर कर देंगे, ठीक है। जब जब तक आपको एक से दो सेकंड आपको दिया जाता है, सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी से करेंगे फटाफट। हाँ तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि मैम हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, हम क्या अपनी क्लास हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे चल रहा है, जो पुराने बच्चे उनको पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि क्या चल रहा है। तो बच्चों देखो, चल ऐसा रहा है कि हम जो है पूरे 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब 1000 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो पहले पूछा ना गया हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि जब हमारे जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें कम से कम हमारे 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज आपकी क्लास 6 है, ठीक है, मतलब 5 क्लास आप पढ़ चुके हैं और एक क्लास में आपको पता है 50 से 60 क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है जी। और हर क्लास में आप देखते हैं बच्चों, 1-2-3 क्वेश्चन आपको स्टडी से पूछा जाता है, भाई चींटी की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, और ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भाई जो ह्यूमिडिटी मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, जो करंट मेजर करता है, जो माइक्रो करंट मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। वैसे ही बच्चों आज मैंने क्या किया है, आज मैंने 5 से 6 क्वेश्चन डाले हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। आप सब बच्चे जानते हैं जितने यहाँ पर हैं जो एग्जाम देते हैं कि भाई इन्वायरमेंट पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला 5 से 7 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो डरना मत, आराम आराम से करने की कोशिश करना, ठीक है। गुड इवनिंग चलिए मुस्कान, गुड इवनिंग सूजी एंड लियो है, गुड इवनिंग पिंटू चिंटू मिंटू, चलिए विष्णु है, गुड इवनिंग मनीषा है, चलिए गुड इवनिंग मनीषा, हाँ अंकुर भी है, गुड इवनिंग, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं, चलिए स्टार्ट करें, एक बार फटाफट बोल दो स्टार्ट किया जाए, चलो चलो भाई पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, अंजलि ओके मैम फिर ठीक है आ जाओ भाई, ओके है तो आ जाओ। आपसे पूछा जा रहा वेक्टर ऑफ काला आजार इज, काला आजार एक सदिश होता, सदिश का मतलब नहीं बच्चों यहाँ सदिश गलत वर्ड यूज किया गया, ये फिजिक्स नहीं है, ये बायो का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपका इसके लिए बिल्कुल सही जो मैं कहूंगी वर्ड लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वाहक, ठीक है। वाहक कहने का मतलब है आप क्या लिखेंगे, वाहक, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे काला आजार का वाहक है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, काला आजार जिसे बच्चों क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, जिसे हम ब्लैक फीवर भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ह्यूमन डिसीज से है, मानव से एक क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के, मानव रोग से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, बहुत अच्छा है, विक्रम ने आंसर किया है बहुत सही, उसके बाद में विष्णु ने आंसर किया है, विष्णु गुड, पिंटू चिंटू मिंटू, खुशबू ने आंसर किया है, पम्मी ने, संजना ने, संजू ने, अंजलि ने, दीपक ने, ठीक है, सब बच्चे, रितु मीना भी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आप आंसर कर रहे हैं और आपका आंसर बहुत सही है, ठीक है जी। तो देखो बच्चों अगर हम बात करें तो जो काला आजार है ना वो सैंड फ्लाई, यानी हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, कई बार हिंदी में आएगा बालू मक्खी, ठीक है। सैंड फ्लाई के कारण क्या होता है आपको बच्चों, क्या होता है आपको जो है काला आजार होता है। यहाँ पे एक शब्द है वेक्टर, बहुत बार बताया है, दो शब्द हमेशा याद रखना बायो में, एक वेक्टर एक पैथोजन, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, जो रोग को लेकर जाए, जो रोग को लेकर जाए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना था, कोरोना को हम एक दूसरे को बांट रहे थे, तो हम क्या थे, हम कोरोना के वेक्टर थे, ठीक है। तो जो रोग लेकर जाए, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लेना, आम सी लैंग्वेज में, जो रोग लेकर जाए, ठीक है, मतलब उसे कैरी करे। और पैथोजन क्या है, रोग जनक, इसकी हिंदी होती है रोग जनक, जनक का मतलब होता है कि फादर, कि मतलब जो उसको पैदा कर दे, जो रोग को पैदा कर रहा है, जो इन्फेक्शन को क्रिएट कर रहा है वो आपका पैथोजन होता है। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन तो कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म, कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका
सैंड फ्लाई, यहीं पे अगर मैं पूछ लूं कि इसका वेक्टर तो आपने सैंड फ्लाई बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं काला आजार का पैथोजन क्या है, काला आजार का पैथोजन क्या है, जो काला आजार रोग है बच्चों, ये किस इसका जो है रोग कारक कौन सा है, यानी रोग जनक कौन सा है, तो लिखेंगे लीशमानिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? लीशमानिया। ठीक है, लीशमानिया मैम ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक वायरस नहीं बच्चे, ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है, आराम से लिख लो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, काला आजार इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, योर आंसर इज प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या है? काला आजार इज अ प्रोटोजोनल डिसीज। ठीक है जी, डन है, बहुत अच्छा। साउंड नॉट क्लियर, वेट, चलिए अभी साउंड बिल्कुल क्लियर जाएगा, एक मिनट का टाइम दे दो, एक सेकंड का टाइम दे दो। लीशमानिया, यस, गुड, चलिए, तो बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर, आ जाइए। ठीक है, एनोफिलीज कौन नहीं जानता है? मलेरिया, मलेरिया करता है। ठीक है, फीमेल, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया करती है, कौन नहीं जानता है। चलिए अब आपसे नेक्स्ट अगर हम पूछ ले लॉक्ड जॉ, ठीक है, लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज अ अदर नेम ऑफ, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें जो आपके जॉ है, जॉ यानी जो आपके जबड़े हैं बच्चों, वो क्या हो जाते हैं? वो लॉक हो जाएंगे। बताइए कौन सी बीमारी है जिसमें आपके जबड़े क्या हो जाते हैं, जो है क्या हो जाएंगे वो बच्चों, क्या हो जाएंगे वो? लॉक हो जाएंगे। जल्दी से बताएंगे कौन सी बीमारी में जबड़े लॉक हो जाते हैं, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी 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 से, इतना टाइम मत लगाना, चलो फटाफट बताओ। बहुत अच्छा, चलिए, यस यस यस, मनीषा का आंसर आया है, दीपक का आया है, विष्णु का आया है, और बच्चों देखो जिसे आता है वेरी गुड, ठीक है, और जिसे नहीं आता, या तो वो जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, देखो मेरा कहने का मतलब है कोई प्रैक्टिस बैच नहीं चल रहा, क्वेश्चन दिखाऊं, मैंने बहुत सारी यूट्यूब क्लासेस देखी है कि टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखाया, यहाँ से आंसर मारा, निकल गए। अगर ऐसे ही करना तो आप पीडीएफ दे दो, क्वेश्चन लिख दो, आंसर लिख दो बच्चों के साथ, अगर ऐसे ही करना, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन बच्चों एक्सप्लेन भी करती हूँ, ताकि जो बच्चा क्या है थियरी पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाए, और जो नहीं पढ़ा उसकी बुद्धि में कुछ चीजें चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्या आंसर सही है कि भाई टिटनेस। ठीक है, जो टिटनेस डिसीज है बच्चों, ठीक है, जो टिटनेस यहाँ पर डिसीज है, इसे हम क्या, दूसरा नाम इसका होता है लॉक जॉ, इसमें जबड़े जो है क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। मैं भी किसी वायरस के कारण होता नहीं, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, ये एक आपका बैक्टीरियल यानी जीवाणु से होने वाला रोग है, और अगर ही मैं बात करूं कि कौन से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो जल्दी से बताएंगे, जो आपका टिटनेस है कौन से बैक्टीरिया से होता है, जल्दी बताओ बच्चों। जो आपके फूले घाव होते हैं, एक क्वेश्चन आया एसएससी में, मुझे याद है, उसने पूछा कि ऐसा कौन सा रोग है जो अगर आपको कहीं कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए, और वो जो वायरस या वो जो मतलब पैथोजन है, वो जो बैक्टीरिया है, वो उस घाव के थ्रू जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो वहां एक ऑप्शन था टिटनेस। यहाँ इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आपका जो फुला घाव होता है, ओपन वाउंड होता है, उसके थ्रू आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं, आपके शरीर में जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एक का आंसर आया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी इस बैक्टीरिया का क्या नाम है। ठीक है, लिख लेंगे इस बैक्टीरिया का नाम, इसके कारण आपको टिटनेस होता है, बहुत सही आंसर किया। ठीक है, चलिए, हाय मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार के साथ करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी तक के जो है, यूपीएससी लेवल में ये पूछा गया है, आराम से आंसर करना, बहुत बढ़िया, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए। चलो मनीषा कह रहे हैं, पम्मी हाय, पम्मी हाय कर लो मनीषा से, है ना, इनका जो है दिल ना टूट जाए, तुम जल्दी से इनसे हाय कर लो भाई, फटाफट करेंगे, जल्दी से जल्दी से, और लाइक करते हैं, चलो भाई बच्चों लाइक जरूर करेंगे, बिना लाइक करे गए, ठीक है। तो देखो आज मौसम सही है ना, और तुम्हें पता हाल फिलहाल में ही अभी सावन आने वाला है, पाप वाप मत लेना बिल्कुल भी तुम, ठीक है, चल जल्दी से, यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, इन आवर बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पैथोजेनस इन, ठीक है, कहा जा रहा हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आती है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है, उससे लड़ाई करता है। ठीक है, तो जो बाहर से पैथोजन आ रहा है उसके खिलाफ जो लड़ाई कर रहा है वो है आपका एंटीबॉडीज, या हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। तो बच्चों कह रहे हैं वो प्रतिरक्षी हमारे बॉडी में बनाता कौन है, तो याद रखना जैसा आपने कहा है वो प्रतिरक्षी बनाता है बच्चों थाइमस, थाइमस ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना ये मैम, लिम्फोसाइट क्या, ध्यान से सुनो, थाइमस क्या है बच्चों,
थाइमस एक ये क्या है, ये एक ग्लैंड है, थाइमस एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, ठीक है, जो क्या होगी, जो उम्र के साथ, ठीक है, जो उम्र के साथ क्या हो जाएगी, अगर आप 26 ईयर, ठीक है, जैसे आपकी 26 साल होगी, 26 साल से जैसे ऊपर आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्रंथि है बच्चों, ये क्या हो जाती है, ये जो है खत्म होती चली जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है कि जो भाई उम्र बढ़ने के साथ क्या होती है, उम्र बढ़ने के साथ ये क्या हो जाएगी, ये जो है विलुप्त हो जाती है, ये गायब हो जाती है। तो आंसर आएगा थाइमस ग्लैंड। बच्चों याद रखना, इसके अंदर दो दो लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स। अब बहुत बच्चों को जो है कंफ्यूज होते हैं कि मैम लिम्फोसाइट क्या है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है, WBC आपके ब्लड में पाई जाती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बहुत चीजें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि जो ब्लड है, जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में WBC है, तो इसका मतलब ब्लड कहाँ बनता है। तो मैम ब्लड तो बोन मैरो में बनता है, ब्लड तो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है जो है आपका ब्लड। तो ये कैसे आप कह रहे हो कि थाइमस ग्लैंड इसका जो है फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो आपका लिम्फोसाइट है आपके ब्लड में बन रहा है। बच्चों याद रखना, बनता तो बोन मैरो में है, जो ये लिम्फोसाइट्स है ये एक प्रकार की WBC है, WBC कहाँ बन रही है, आपके आपके बोन मैरो में बन रही है। लेकिन याद रखना ये यहाँ पर थाइमस ग्लैंड में क्यों जाती है बच्चों, ये थाइमस ग्लैंड में जाती है मेच्योर होने, ठीक है, आपके बॉडी में लिम्फोसाइट रहेगी लेकिन उसे मेच्योर कौन करता है, जैसे आप जब बच्चे थे कोई भी आपको एक थप्पड़ मार के जा सकता था, होता है ना, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो कोई ऐसे आपको थप्पड़ नहीं लगा सकता, वही बात है, ठीक है जी। नहीं तो अगर ये मेच्योर नहीं होती हमारी लिम्फोसाइट तो क्या होता, बाहर से कोई भी वायरस आता, कोई भी बैक्टीरिया आता और हमें मार के आराम से निकल लेता, ठीक है, डन। और आपको क्या याद रखना बच्चों कि एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट, ये दो अलग अलग टाइप की है। टी का मतलब है टारगेट, टारगेट का मतलब है कि आते के साथ किसी पर अटैक कर देना, वो जो है आपकी टी लिम्फोसाइट है। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है, तो इसका काम है एंटीबॉडीज बनाना, ये हथियार तैयार करती है, ठीक है, और लड़ाई आपका टी वाला करता है। तो एक एक बात समझते चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने बीच बीच में ना, ध्यान से सुनना जितने बच्चे यहाँ पर है, ध्यान से सुनना, मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है 7 times, कहने का मतलब है ये जो है मुझे जितनी बार दिखा, ये कितनी बार पूछा गया, 7 बार आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपके 7 बार पूछा गया, कितनी बार, 7 बार, ठीक है। और बच्चों याद रखना ये फ्री का नंबर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ये, जो बगल वाला गोलू है वो भी इसका आंसर बता देगा, ठीक है, जो चुन्नू मुन्नू प्राणी है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। क्यों बता देगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, और जो बार बार मैं हमेशा कहती हूँ एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन टफ डालता है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालता है कि आप उसका आंसर 1 सेकंड में कर दो, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चन जो आपको फ्री में मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया आपकी बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स, आप सब जानते हैं जो है 23 pairs है, ठीक है, यानी जोड़े में। लेकिन यहाँ आप देखो यहाँ पर आपसे जोड़े नहीं पूछा गया, यहाँ पर उनकी संख्या पूछी गई है। तो जोड़े यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 46 क्रोमोसोम्स आपके बॉडी में पाए जाते हैं। 46 से कम या ज्यादा हो जाते हैं बच्चों, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके जो है बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चन बीच बीच में डाले हैं, देखना तुम, ठीक है। 46 इसका आंसर है, यू आर राइट। चलिए आपसे पूछा जा रहा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कुछ नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है, ठीक है। किडनी जिसे गुर्दा कहा जाता है, गुर्दा भी से कहा जाता है, बच्चों जल्दी से बताओ क्या है, जल्दी से कह रहे कितनी मेहनत करती है आप मैम, बिल्कुल मेहनत आप करते हैं, लेकिन बच्चों जब मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, और आप नहीं आते हो फिलहाल, अभी तो बच्चे आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार होता है मैं यहाँ पर आती हूँ बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है, और आप लाइक भी नहीं करते। देखो इतने बच्चे आते तो 100 लाइक बनता, आप भी जानते हैं 100 लाइक आप रोज करके जाते हैं, तो मैं आऊँ या नहीं आऊँ आपको लाइक करके जो है आपको लाइक करना ही चाहिए, ठीक है, मैं कहूं या नहीं कहूं, ठीक है, आपको लाइक कर देना चाहिए, लेकिन मुझे बार बार कहना पड़ता है 1 लाइक बढ़ा दो, ठीक है, तो 49 है वो 50 हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन उठाऊंगी फिर भाई लाइक कर दो, फिर तुम 51 करते हो, है ऐसे चलता है काम, बताओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर क्या है, नेफ्रॉन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। याद रखना आपकी पूरी बॉडी कैसे बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ऐसे ही जो आपकी किडनी है,
ठीक है। किडनी की बात करें बच्चों तो ये एक ऑर्गन है आप जानते हैं, और ऑर्गन किससे मिलके बना है तो आप जानते हैं ऑर्गन बच्चों सेल से मिलके बना है, तो जिस सेल से मिलके आपकी किडनी बनी है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगर हम इसके नेफ्रॉन के यानी किडनी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे हम नेफ्रोलॉजी कहेंगे। ठीक है भाई, हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और अगर तुम हॉस्पिटल में जाते हो तुम्हें अपनी किडनी की जांच करानी है तो तुम किसके पास जाओगे, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे बच्चों। और याद रखना कि ये किडनी का काम क्या होता है, तो बहुत बच्चों को लगता है किडनी का काम होता है कि प्योरिफिकेशन करना। याद रखना ब्लड का प्योरिफिकेशन, दो शब्द में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आज हमेशा के लिए अपनी कंफ्यूजन दूर करो। अगर आज आए किडनी की प्योरिफिकेशन कौन करता है तो याद रखना बच्चों प्योरिफिकेशन कौन करता है ब्लड का, वो आपका लंग्स करता है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है, ऑक्सीजन अंदर करता है। किडनी का काम ये नहीं है, ये किडनी का काम नहीं, किडनी का काम जो है बच्चों वो है फिल्टर करना। आपके ब्लड को जो फिल्टर कर रहा है, जो छान रहा है, वो आपकी किडनी है। ठीक है, अगर हम बात करें मैम क्या छानता, इधर आओ देखो, ये रही आपकी दो किडनी। ठीक है, ये रही आपकी दो किडनी बच्चों, ये क्या छानता है तो तुम्हारे ब्लड में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, ठीक है, जो भी आपके ब्लड में टॉक्सिक चीजें हैं, मतलब यूरिन, आपकी यूरिन क्या है उसमें आपको पता है, यूरिया, सब बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपके नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वो सब आपके किसमें मिले होते हैं, वो सब आपके ब्लड में मिले होते हैं। ठीक है, जो आपका कौन बनाता है, लीवर, लीवर जो भी टॉक्सिक कंपाउंड आपकी बॉडी में, देखो तुम जो खाते हो ना बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें आप सब जानते हो, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, बहुत सारी बुरी भी चीजें होती है। तो जो बुरी चीजें होती है, जो टॉक्सिक चीजें होती है, जहरीली चीजें होती है, वो लीवर क्या करता है, किडनी के पास भेज देता है, और किडनी उसे क्या करता है बच्चों, ऐसे ये जो देख रहे हो ना, यहां से जो है ऐसे निकाल के, ये क्या है, यूरिन ब्लैडर, आपका यूरिन ब्लैडर है। ठीक है, जहां पर आपका मूत्र, ठीक है, जहां पर आपका मूत्र, आपका यूरिन बच्चों आके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जो किडनी से पाइप क्या करती है, ध्यान से सुन लो बच्चों, ये क्वेश्चन है, किडनी से जो पाइप यूरिन ब्लैडर तक आ रही है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, यूरेटर, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, और यानी मूत्र वाहिनी। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, मूत्र वाहिनी। और बच्चों जो यहाँ जो है आपके यूरिन ब्लैडर से ये चीज निकल रही है, जहां से आप यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग, ध्यान से सुनना, मूत्र मार्ग, मार्ग का मतलब रास्ता जहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो है वाहिनी का मतलब जो वाहन करके ला रही है। ठीक है जी, डन, चलिए ओके, सारी चीजें समझते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ के चलोगे कॉन्सेप्ट के। देखो तुम, मैं पहले बता दो बच्चों, मैं कितने भी क्वेश्चंस करा लूं, अगर तुम रटोगे तो तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रही हूं अगर आप समझ गए तो पक्का आप कर लेंगे, आप कर जाएंगे, मुझे यकीन है आप पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब श्रवण से संबंधित है। देखो आप जो सुनते हैं, आप सब जानते हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करे तो आप सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग का कौन सा पार्ट है जो सुनने का काम कर रहा है, ये आपसे पूछा गया, बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग योगेश, अंबू, विष्णु, प्रदीप, पम्मी, अंजलि, संजना, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है, सब बच्चे जो है थोड़ा सा गलत आंसर कर रहे हैं, गलत है भाई, सब एक ही मतलब भेड़ चाल चलनी ही है आपको, एक बच्चे ने बी आंसर कर दिया, बी गलत है, बी जो है बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है, अब बताओ, बी गलत है, अब बताएंगे, अंजलि भी गलत है, अब बताओ, मतलब एक बच्चे ने बी आंसर कर दिया, सब बी के पीछे जाएंगे, हाँ बी गलत है। चलिए योगेश ने तो अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया, पम्मी भी जो है देखो जैसे भी कहती हूँ गलत है ना, ये सब आपका साथ तुरंत छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ भेड़ चाल, बिल्कुल भेड़ चाल, देखो मैंने जैसे ही कहा ये गलत है, सब एक दूसरे से हाथ छोड़ के किसी किसी के, अब कोई ओसीपेटल के साथ जा रहा, कोई टेम्पोरल के साथ जा रहा, सब अलग अलग। देखो देखो बच्चों होता क्या, इधर आओ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से देखिए, आपके दिमाग का जो आगे वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, सेरेबैलम कहते हैं, इतने पार्ट को हम सेरेबैलम कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता, अगर मैं यहाँ समझाऊं, ठीक है, एक पार्ट ऐसे दो पार्ट में पहले डिवाइड होता है, फिर ये वाला पार्ट चार पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर कौन कौन सा होता है आपका, फिर बच्चों ये आपका फ्रंटल लोब, फिर आपका ये पैराइटल लोब, ये आपका टेम्पोरल लोब, और ये आपका ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं भाई? हिप्पोकैम्पस। इसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस कहते हैं बच्चों, और इसे ही हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हार्ड डिस्क ऑफ योर ब्रेन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन हम किसे कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। अगर आप बात करें कि मैम हमें बचपन की बातें याद क्यों नहीं होती, तो बच्चों जो आपकी बातें आपको जो आपकी मेमोरी है वो स्टोर कहाँ होती है, आपके हिप्पोकैम्पस में होती है। लेकिन जब आप चुन्नू मुन्नू प्राणी थे, बच्चे थे, ठीक है, तो आप में हिप्पोकैम्पस नहीं था, और यही कारण है कि आपको जो है बचपन की बातें याद नहीं रहती। ठीक है, बचपन में आपको किसी ने अच्छे से आपको धुला हो, पकड़ के अच्छे से आपको पिटाई की हो, ठीक है, और अगर आप बड़े हो चुके, आप भूल चुके, तो आराम से आप उसके साथ बैठकर गप्पे मारेंगे, ठीक है, आपने आपको याद नहीं रहेगा कि कभी इसने अच्छे से तुड़ाई भी की होगी मेरी, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर याद रखना चाहे स्मेल का काम हो, ठीक है, स्मेल का काम हो गया, टेस्ट आप बड़ा स्वाद लेते हो तुम पिज्जा वगैरह खा के, तो जो स्वाद लेते हो, टेस्ट लेते हो, जो स्मेल करते हैं, आप कोई चीज सूंघते हैं, ठीक है, कभी फ्लावर सूंघ लेना अच्छा होगा, कभी ज्यादा कुछ सूंघने का मन हो तो सड़ा हुआ अंडा चूस ले सूंघ लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका, और जो आपका सुनने का काम है, ये सब आपका कौन करता है, टेम्पोरल लोब करता है, इसलिए योर सी इज द राइट आंसर, यहाँ पर आपका सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप सबने विटामिन से एक क्वेश्चन हमेशा पढ़ते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। लेकिन आज आपके सामने क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या है, कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा मुझे अलग लगा इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने भी जनरली मैं यही क्वेश्चन करवाती थी अभी तक कि किसी विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, या किसी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन अभी पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन नाइट्रोजन, जल्दी। और भाई 100 लाइक करना है भाई निकम्मो, ठीक है, 100 लाइक करना है, कैसे भी करके, कैसे भी, चाहे तो तुम्हारे मम्मी का फोन है उसमें भी करो, तुम्हारे पापा का फोन है उसमें भी करो, पर 100 लाइक कंप्लीट करना है। पर कोई सा अपने में 2 बार लाइक नहीं करेगा, कोई सा भी बच्चा अपने फोन में 2 बार लाइक नहीं करेगा, ठीक है, पाप लगेगा नहीं तो। चलो शेयर भी कर देंगे भाई एक बार, जितने भी बच्चे हैं सब शेयर भी कर दो, शेयर भी कर दो। हाँ चलिए, बहुत सही आंसर है बच्चों का। बच्चों देखो जो विटामिन बी है ना, यहाँ पर ये सही आंसर है। अब मैंने कहा इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों क्या है, जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है आपका, ठीक है, विटामिन बी इज अ कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्योंकि इसके बहुत सारे बच्चे हैं, इसके बहुत सारे बच्चे का मतलब बच्चों बहुत सारे टाइप हैं। और अगर हम बात करें मैम नाइट्रोजन कौन से टाइप में मेनली किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं प्यार से, जिसे प्यार से नियासिन भी कहा जाता है, या इसी को बच्चों निकोटिन, ठीक है, हाँ निकोटिन एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, इसे हम निकोटिन एसिड भी कहते हैं। तो इस ये जो है विटामिन B3, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और आपको साथ साथ याद रखना बच्चों, अगर इसकी कमी हो गई तो एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेलेग्रा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पेलेग्रा कहते हैं, तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना, ठीक है, 2-4 बातें याद रखना। चलो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, तो विटामिन B3 इज द विटामिन बी या B3 इज द राइट आंसर। चलिए अब फिर वही क्वेश्चन, ये देखते ही समझ जाओ ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, ये अगर एग्जाम में आ गया, देखो अगर जो ये क्वेश्चन है ना जो मैं वन लाइनर में आई हूँ, अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो समझ जाना आपकी किस्मत अच्छी है, और नहीं आना तो वही समझ जाना कि भाई भगवान ने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, ठीक है। चलो जैसे मैं कहती हूँ मेरी किस्मत अच्छी नहीं, कहोगे क्यों, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन, मेरी क्लास की नोटिफिकेशन कभी जाती ही नहीं है ना, हमारा भी मन होता है एक दो बार बच्चों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, सभी बच्चों को पता चल जाए कि एक शिल्पी मैम है साइंस पढ़ा रहे हैं, हैं तुम तो शेयर करते नहीं हो, और कभी नहीं जाती मेरी नोटिफिकेशन, कभी नहीं जाती है। चलो जल्दी से बताओ किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब बच्चों की शाम के 6-7 बजे के बाद आपको दिखेगा लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखता, उसके पीछे एक ही रीजन है, क्या, विटामिन ए की कमी, ठीक है। अभी विटामिन ए क्या करता है, इसमें जो है रोडोस्पिन पिगमेंट होता है, ठीक है जी, जो आपका लीवर बनाता है, और वो आपकी रॉड सेल को क्या करता है, बहुत ज्यादा मेच्योर कर देता है, जिससे आपको रात में भी दिखने लगेगा। लेकिन इसकी कमी है तो आपकी रॉड सेल क्या है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, और वही सेल होती है जो आपको अंधेरे में देखने में मदद करती है, ठीक है जी, डन। चलिए
भगवान कुछ नहीं करते, एग्जामिनर करता है। चलो आ जाओ, आ जाइए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, चलो जो है बच्चे कहेंगे मैम हम आपके स्टूडेंट हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, हम इन सब बातों पे जो है यकीन नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। कह रहे मैम 250+ लाइक। अरे अभिषेक नहीं, मैं ऐसे उम्मीद नहीं लगाती। देखो हमेशा कहते हैं अगर आप ज्यादा उम्मीद करोगे आपको दुख ज्यादा होगा। मैं बस 100 की उम्मीद तुमसे करती हूँ, ठीक है? तुम 100 कर दो तो बहुत बड़ी बात है, मैं इससे ज्यादा उम्मीद ही नहीं करती तुमसे। अब बताओ मैं अगर उम्मीद कर लूँ तुम 250 लाइक करके जाओगे, ऐसा तुम कभी नहीं करोगे, मुझे पता है। तो मैं ऐसे उम्मीद क्यों रखूँ? बच्चों याद रखना उम्मीद ही आपके दुख का कारण है, ठीक है? ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो। आ जाओ नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है? जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो देखो बच्चों जेनेटिक, जेनेटिक्स का मतलब है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, इसका मतलब होता है अनुवांशिक। इसका मतलब है बच्चों अनुवांशिक। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम अनुवांशिक क्या है? बच्चों अनुवांशिक का मतलब है ऐसी कोई बीमारी जो आपको बाई बर्थ मिली। कहने का मतलब आपने जन्म लिया तो एक कहा गया कि बीमारी में, बीमारी ने जन्म ले लिया, मतलब आप बीमारी नहीं है, आपके साथ किसी बीमारी ने जन्म ले लिया। ऐसी बीमारी जो आपके जनरेशन से आपको मिल गई, आप जो है जब आए तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पैदा होने पर ही वो बीमारी भी पैदा हो गई साथ साथ। या बच्चों अगर आपके जीन, आपके क्रोमोजोम में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? अभी जैसे मैंने क्रोमोजोम बताया था, ठीक है? तो कहीं जहां 46 होना चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस तरीके की बीमारी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसीज कहते हैं, ठीक है? जेनेटिक डिसीज कहते हैं। चलो 100, भाई 100 लाइक तो तुमने कर दिया है, मुझे लगता है मुझे अपनी उम्मीद बढ़ा लेनी चाहिए। वाओ गुड। तो अब अगर हम बात करें बच्चों तो ये तीनों, अगर हम बात करें तो ये तीनों बिल्कुल बच्चों जेनेटिक डिसीज है। यहाँ पूछा गया है कौन सी जेनेटिक डिसीज नहीं है, तो जो जीरो प्लेथमिया है, ठीक है? जो यहाँ पर आपका जीरो प्लेथमिया है बच्चों, याद रखना कि जीरो प्लेथमिया को मैं कहती हूँ देवदास की बीमारी, ठीक है? इसे याद रखना देवदास की बीमारी। कहोगे मैम ये क्या लिख दिया? हाँ, इसे जीरो प्लेथमिया को हम कहते हैं देवदास की बीमारी। बच्चों इसे देवदास की बीमारी इसलिए कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इसे मैंने क्या कहा? देवदास की बीमारी। देवदास इतना रोया बच्चों, देवदास याद में इतना रोया कि बच्चों क्या हुए, इसके आंसू ही नहीं आते, ठीक है? किसी की यादों में तुम इतना रो लो कि आपको आंसू ही नहीं आए, आपके टीयर्स ही नहीं आए। तो कोई ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारी बच्चों जिसमें आपके आंसू ही सूख जाए, आपको टीयर्स ही नहीं आए, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? उस बीमारी को हम जीरो प्लेथमिया कहते हैं, ठीक है? और याद रखना बच्चों अगर हम बात करें आंसू कहाँ से बनता है, तो जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड है आपकी आंखों में बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी ग्लैंड पाई जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, जिसे अश्रु ग्रंथि कहते हैं। तो जब आपका कोई दिल तोड़ देता है, ठीक है, या आपको कोई अच्छे से पिटाई कर देता है, तो क्या होती है, आपकी लैक्रिमल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और आपके आंसू बनते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको जीरो प्लेथमिया, आपको कोई कितना भी मार ले, ठीक है, आपकी मम्मी आपको सुबह से मारना, चप्पल से धोना शुरू करे, शाम तक धोए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रोओगे नहीं, तो मम्मी ये नहीं कहेगी भाई हमारे बच्चे को क्या पता बीमारी हो, मम्मी कहेगी बेशरम हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है जी। चलो हमारे घर में यही होता है कि जैसे अगर बड़े कुछ डांट रहे हैं, ठीक है, तुमने उस पर कुछ रिएक्शन दे दिया तो क्या कहेंगे? बदतमीज हो गया है, ठीक है, कि जो है बड़ों से जुबान लड़ाने लगा है। और अगर हम कुछ रिएक्शन नहीं दे तो क्या कहेंगे? बेशर्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब आ जाओ ये सबके घर में होता है। तो अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें से बच्चों आपको मिलाना है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। जल्दी से, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी चलिए। अरे तुम हंसो कम आंसर ज्यादा दो। चलो भाई, अरे आज तो तुमने 150+ लाइक कर दिया, मतलब मैं अपनी आंखें देख लूं तुम सही कर रहे हो क्या, या मुझे ज्यादा दिख रहा है? ये उम्मीद तो मैंने कभी लगाई ही नहीं थी। चलो वेरी गुड, बहुत खुशी है मुझे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है। हाँ मतलब इतने आराम से लाइक बढ़ रहे हैं, वाह। चलो जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं बच्चों। देखो तो देखो, ये तुम देखे ना, मैं यहाँ पे मिला देती हूँ, एड्स, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हैं एड्स की फुल फॉर्म, बहुत बार बताए, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? इसके लिए आपका एलाइजा टेस्ट होता है, ठीक है, एलाइजा टेस्ट होता है या एलिजा, ठीक है। प्लेग, अगर हम टाइफाइड के लिए कहें तो इसका विडाल टेस्ट होता है, और वी के लिए आपका कौन सा होता है, वेसन स्टेन टेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। एलाइजा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलाइजा की फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा? एलाइजा की फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा? यस, देखो एलाइजा की फुल फॉर्म आप लिखेंगे एंजाइम, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड
एंजाइम लिंड, एंजाइम लिंड इम्यूनो इम्यूनो सॉर्बेंट सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये आपके एलाइजा के फुल फॉर्म है, ठीक है एलाइजा के फुल फॉर्म सब बच्चे लिख लेंगे। चलिए 225 लाइक हो गए हैं, ठीक है मुझे बहुत खुशी है, ठीक है चलो मैं बस रोना नहीं चाहती, खुशी के आंसू नहीं आ रहे मेरे। तो ये अगर हम बात करें, ठीक है मैं जिसे निकम्मो बोलती थी, ठीक है मैंने तो तुम्हें निकम्मो समझा था, तुम तो बड़े अच्छे निकले। तो बच्चों याद रखना ये एलाइजा टेस्ट, एलाइजा का क्या है फुल फॉर्म है। क्या करते हैं मैम इस टेस्ट में, देखो ऐसे दो स्लाइड लेते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे दो स्लाइड ले लेंगे, ठीक है इस पे क्या करते हैं, यहाँ लिखा एंजाइम तो इस पे कुछ एंजाइम्स लगा देते हैं, इस स्लाइड पे कुछ क्या करते हैं एंजाइम्स लगा देते हैं, इस स्लाइड पे वो क्या करेंगे कुछ एंजाइम्स लगा देते हैं, ठीक है इस स्लाइड पे कुछ एंजाइम्स लगा देंगे। और फिर बच्चों मान लो किसी को एचआईवी है, ठीक है उसका खून निकाला, जब इस स्लाइड पे डाल देते हैं बच्चों, ठीक है इस स्लाइड पे खून डाल दिया और ये एंजाइम्स लगा दिए। अब इसको जब हम माइक्रोस्कोप के आगे देखेंगे बच्चों, तो जो एंजाइम्स डाले थे ना, वो जो एचआईवी के वायरस है, जिसके खून में एचआईवी वायरस है, वो क्या करते हैं उसके साथ बाउंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ, और वायरस नहीं है तो ये सिंगल एंजाइम ही बचते हैं। तो ये इस तरीके से एलाइजा टेस्ट किया जाता है फॉर द एड्स, ठीक है एड्स का टेस्ट करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है जी। तो देख लेना मैंने मिला दिया बच्चों, देख लेना कौन सा सही है, ठीक है चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, which one among the following statement regarding heart sound is correct? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हृदय से ध्वनि आती है मैम क्या ध्वनि आती है, तो वही जो बोलने में बहुत सही लगता है लबडब लबडब, ठीक है लबडब लबडब आपके जो है, अगर आपका आपका हार्ट क्या है बच्चों नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो याद रखना कि आप जब मशीन से सुनेंगे तो आपके चलिए चलो भाई 230 लाइक कर दिया बच्चों ने, ठीक है दिल खुश कर दिया तुमने, है ना मजा ही आ गया मुझे, ठीक है चल अब फिर हम करेंगे। अब लोकेंद्र सिंह कह रहे मैम जो है आज 300 प्लस लाइक करके जाएंगे, अच्छा जी चलिए ठीक है चलो। रिशु मैंने देख लिया है 230 लाइक बच्चों ने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। चलिए तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको याद रखना, अगर आपका जो क्या है आपका हार्ट बिल्कुल सही है तो लबडब लबडब आवाज आएगी, और ये लबडब लबडब आवाज क्या कब आती है बच्चों, जो आपके वॉल्व है, ठीक है यानी जो आपके हृदय में कपाट है, कपाट का मतलब बताऊं तुमने बहुत बार सुना होगा बच्चों, लोग कहते हैं कि इनके दिल में छल्ले डले हैं, ठीक है बहुत आम भाषा में कहते हैं इनके जो है इनके दिल में छल्ले डले हैं, तो वो छल्ले ही क्या होते हैं बच्चों, वही आपके वॉल्व होते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों तो इस तरीके से अगर आपका हृदय है, ठीक है आपका हृदय है, खैर ब्लैक पेन से बनाना था कोई नहीं ये मेरा है, तो बच्चों ऐसे इसके चार चैम्बर होंगे, यहाँ पर ऐसे तीन वॉल्व होते हैं, यहाँ पर ऐसे दो वॉल्व, यहाँ से इस वॉल्व के थ्रू खून इस वाले चैम्बर में जाता है और से इस वाले जो है चैम्बर से इस वाले में जाता है। तो जब ये खून गया और ये फिर वॉल्व बंद हो जाता है तभी आवाज आती है लबडब लबडब। तो देखो कहां पर है, कहां पर है, नहीं बाहर जाने या अंदर आने से ये तो बिल्कुल सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा कि भाई जब आपके हार्ट वॉल्व क्या होते हैं ओपन, नहीं ओपन नहीं रहेगा यही देखो, जब आपके वॉल्व क्या होते हैं क्लोज होते हैं तब आवाज क्या आती है, तब आवाज आती है लबडब लबडब। और बच्चों अगर मरमर मरमर आवाज आ रही है तो समझ जाना आपके वॉल्व में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, आपका जो वॉल्व है वो ब्लॉक होना शुरू हो गया है, ठीक है जी डन है। चलो हेलो विष्णु भाई, हेलो भाई हेलो, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट फ्री का नंबर, फ्री का नंबर है जल्दी से बता दो, एक वयस्क मानव शरीर की हड्डियां होती हैं, ठीक है एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज बोन्स, अगर आपकी हड्डियां किसी ने तोड़ नहीं रखी हैं, ठीक है आप सुरक्षित हैं भगवान की दया से, तो जल्दी से बताओ बच्चों आपकी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, अगर आपकी हड्डियां किसी ने तोड़ी मरोड़ी नहीं है तो आपकी बॉडी में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे यस, चलिए जल्दी 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 से आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करो। दो सौ छह, ठीक है जिसमें से बच्चों क्या होती है 106 होती है ना, 106 आपकी क्या होती है अपेंडिक्स होती है, और 80 आपकी क्या होती है एक्सियल होती है ना, ऐसे ही होता है मैंने बढ़ाया हुआ देख लेना, ठीक है चल तो 206 हड्डियां होती हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बिग बॉस में एक डॉक्टर आए थे, ठीक है वो है वो थे एक डॉक्टर, पता नहीं कौन सा था मैंने देखा था अभी नहीं हाल फिलहाल पहले का था कोई था, तो बच्चों उसमें क्या था उन वो डॉक्टर थे तो सलमान खान ने ऐसे पूछ लिया बताओ भाई हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं फिर बहुत देर बाद वो कह रहे हैं 306 बताओ, तो ऐसे डॉक्टर तुम कभी मत बनना नहीं शिल्पी मैम के नाक कटवा दोगे। आ जाओ नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे इसमें से कौन सा कथन सही है, एक है लिगामेंट, दो वर्ड हमेशा याद रखना, एक होता है लिगामेंट ठीक है
और एक आपने सुना होगा टेंडन, ठीक है, दो वर्ड आपने सुना होगा बच्चों। लिगामेंट का मतलब है सीधा यहां से मेंट उठाओ, मेंट का मतलब सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। सीमेंट का क्या काम है? ईंट से ईंट को जोड़ना, ठीक है, ईंट से ईंट को मेंट सीमेंट जोड़ता है। ऐसे ही आप याद रखेंगे लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को आपका लिगामेंट जोड़ता है। वहीं अगर हम टेंडन की बात करें बच्चों, तो जो बोन को मसल्स से जोड़ दे, यानी जो आपकी हड्डी को किससे जोड़ दे, मांसपेशियों से जोड़ दे बच्चों, वो आपका क्या होता है, वो आपका टेंडन होता है, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। तो यहां पर आपका यस विष्णु यू आर राइट, तो यहां पर आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, कि लिगामेंट आर हाईली फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, तो ओनली डी आप सही कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन यहां पर ओनली वन आपका सही आ सकता है, ठीक है। चलिए इसका इसका जो है पढ़ो, अच्छे से आंसर करो। आपसे देखो जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसे देख के भागना नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पर भाई आज 250 लाइक कर देंगे, मुझे दिख रहा है जिस तरीके से आपके अंदर जुनून आया हुआ है, आप बिल्कुल आज कर जाएंगे, है ना, इसका मतलब उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपने मुझे सिखाया है कि भाई मैम उम्मीद करनी चाहिए। चलो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो फोटोसिंथेसिस की मतलब करें तो जो प्लांट्स अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप सब जानते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं CO2, नीचे से लेते हैं H2O और ऊपर से आती है सनलाइट, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश, और फिर इनके अंदर होता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है, इसके थ्रू ये क्या करते हैं अपना H2O+O2 और प्लस आप ग्लूकोज ये बनाते हैं, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या करते हैं, तो क्या ऑप्शन सही आएगा, यस जय कुमार, अंजलि, चले एकता पाल। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो बच्चों अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ते हैं बताइए, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आएगा कि ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड स्टोर्ड, ठीक है, मुक्त ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। आराम आराम से पढ़ के जो है क्वेश्चन क्या करो, ठीक है, चलो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इसमें कर दो या इसमें कर दो, इसको छोड़ो, ठीक है, इसमें करो, तुम इस क्वेश्चन का आंसर इसमें करिए, फ्री का मार्क्स, इस क्वेश्चन से आपको फ्री का मार्क्स मिलेगा। चलिए बताइए जल्दी से, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो है सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग और एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, बताइए आपके बॉडी का जिसे हम, देखो तीन क्वेश्चन, अगर वो पूछ ले डाइजेस्टिव सिस्टम या पूछ ले आपके जो है डाइजेस्टिव बैग, आपके जो है सेल का डाइजेस्टिव बैग पूछ ले, एटम बम पूछ ले, या आपसे आपसे क्या पूछ ले, सुसाइडल बैग पूछ ले, तो एक ही आंसर है, तीनों का आंसर एक है, तीन क्वेश्चन एक में है, बहुत अच्छा, लाइसोजोम, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लाइसोजोम कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या होता है मैम ये, तो बच्चों देखो ये मान लो आपकी एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका लाइसोसोम पाया जाता है, ये एक थैले की तरह होता है, एक बैग की तरह होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बच्चों हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स पाए जाते हैं, बिल्कुल हाँ, तो इसके अंदर बच्चों कुछ क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे, तो बच्चों क्या होता है कि बाहर से मान लो ये एक सेल है, ये एक कोशिका है, बाहर से कोई यहां से वायरस आया, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया आया कि भाई इस सेल को हम खराब कर देंगे, ये क्या करेंगे, इसको अपने अंदर बुला लेंगे और इस एंजाइम के थ्रू इसे मार देंगे, और कई बार बच्चों ये भावुक हो जाते हैं और मतलब जितना इसको मारने की जरूरत है उससे ज्यादा एंजाइम्स बना लेते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं इस बैग को ही क्या करते हैं, फाड़ के सेल में यहाँ बाहर आ जाते हैं और बच्चों क्या करते हैं अपनी ही सेल को मार देते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, इसे आप कैसे याद रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे, अरे मनीषा क्या हो गया, क्या हो गया, तो इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं बच्चों, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, मतलब खुद तो मरता है और अपनी सेल को भी मारता है, अपनी कोशिका को भी मारता है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे याद कराया था, आपको याद है, ऐसे याद किया था हमने बच्चों, याद है क्या, चलो 247 लाइक हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, चलिए मेरा मन हो रहा है मैं एक बार अपनी खुशी मनाऊ फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊ, लेकिन एक घंटा ही है तो पहले मैं पढ़ा लेती हूँ फिर मैं बाद में खुशी मनाऊंगी, चलो आज अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ आपका लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, चलिए और जल्दी से बताओ उस एंजाइम का नाम क्या है, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ उस इस यहां से जो एंजाइम्स निकलते हैं, मैं एक बार नाम भूल गई हूँ, जल्दी से बताओ इस एंजाइम का। हाइड्रो हाइड्रो इतना नाम मुझे याद है, हाइड्रोक्लो, ठीक है, इतना नाम याद है, आगे तुम बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ एंजाइम, यहां से जो एंजाइम निकलते हैं इनका नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जल्दी बताओ। अरे रुक जाओ खुशबू, तुम है एसटीएल नहीं होता विष्णु, कर दिया मामला खराब। चलो ठीक है, आ जाइए। पम्मी को हाय तो नहीं, हाय पम्मी तो ही नहीं बोल रही ना, बोला पता क्या, अब क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। चलिए आ जाओ, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, कह रहा है चेहरे के घाव से बहुत अधिक खून बहता है क्योंकि, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, जो अगर आपसे क्या पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, चेहरे की बात है ध्यान से सुन लो, ठीक है, कैसे ग्लो करेगा ये भी बताऊंगी। अगर हम बात करें बच्चों चेहरे की बात आपसे की जा रही है, कि जो आपका फेस है, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, है ना, वैसे होना नहीं चाहिए किसी का, लेकिन होता है बच्चों, और उसके फेस पे, अगर उसके फेस पे चोट निकल रही है, तो वहां से जो ब्लड निकलेगा ना, वहां से जो खून निकलता ना, वो बहुत गहरे कलर का होता है, मतलब वो क्या है, थोड़ा सा डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। वो आपके अगर कहीं हाथ पे चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, वहां से जो आपके फेस से खून निकलेगा ना, वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो पूछा जा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो याद रखना कि आपके चेहरे में ना जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, वेन्स होती है बच्चों, जो शिरा होती है, उनका ऐसे गुच्छा पाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारी वेन्स पाई जाती है। और सभी बच्चों को मैंने बताया है, सभी बच्चों को मैंने बताया है कि वेन्स में क्या होता है बच्चों, वेन्स में आपको मैंने बताया CO2 वाला खून होता है, वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यानी जिसमें CO2 ज्यादा है। तो बच्चों याद रखना कि जहां पर CO2 ज्यादा है वो थोड़ा सा आपका ब्लैक टाइप का होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे फेस में बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं बच्चों, और यही कारण है कि जो आपके फेस से खून निकलेगा वो थोड़ा सा डार्क होगा कंपेयर टू योर हैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर वेन्स ज्यादा है, वेन्स में CO2 वाला खून है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, वो अपने आप ब्लू कलर कर देगा, यानी ब्लैक, थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, कि भाई क्या आंसर सही आएगा, हाँ तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है बच्चों, कि यहाँ पर आपके जो वस्कुलरिटी है वो वहां पर ज्यादा होती है, वहां पर गुच्छे जो है ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है जी। चलो चलिए चलिए, ओके कवि, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो बस आप पढ़ते जाइए, ठीक है, पढ़ते जाइए। और देखो बच्चों मैं एक बात बता दूं कि जो 1000 क्वेश्चन सब कर रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ मैंने नहीं दी है, जो हम 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी पीडीएफ मैंने नहीं दी है, अभी एक भी पीडीएफ इसकी नहीं दी है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैंने जो एक एक से लेके आज जो आपकी 6th क्लास है, ये सारी पीडीएफ मैं आज ही डलवा दूंगी, आज ही अपडेट करवा दूंगी। तो किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आज ले लेना, ठीक है। 6 क्लास अपनी हो गई है, ठीक है, हर क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 1 से लेके 6 आपकी जो क्लास हुई है, आज सारी पीडीएफ मैं अपडेट वहां पे अपलोड करवा दूंगी, देख लेना, ठीक है। चलो, और भाई 250 लाइक हो गया है, तालियां भाई तालियां, सभी तालियां बजाएंगे एक बार। चलो बच्चों के लिए आ जाइए, आपसे पूछा गया सिकल सेल एनीमिया किसके जो है सामान्यता के कारण होता है, बच्चे जानते हैं आरबीसी, ठीक है, एनीमिया बच्चों आरबीसी की कमी है तभी होता है। और इसमें सिकल सेल का मतलब क्या होता है, इधर आओ, सिकल का मतलब होता है बच्चों हसिया, ठीक है, इस सिकल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हसिया, हसिया का मतलब बच्चों गांव वाले बच्चे जानते होंगे कि हसिया के अगर शेप बनाऊं तो ऐसे करके जो है कुछ हसिया होती है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये अगर आपकी आरबीसी नॉर्मल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है, और एनीमिया बच्चों बहुत टाइप का होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी, बहुत टाइप के खून की कमी होती है, और मैंने एक प्रॉपर वीडियो इस पे बना रखी है केडी लाइव पे भी, एनीमिया के प्रकार, टाइप ऑफ एनीमिया, तो सब बच्चे जरूर देख लेंगे। तो इस तरीके के जो बच्चों, जब आपकी आरबीसी ऐसी शेप में आ जाएगी, ठीक है, इसे हाफ मून भी कहा जाता है, इसे बच्चों हाफ मून भी कहा जाता है, अर्ध चांद भी कहा जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है जी, डन है। चलिए, कह रहे मुस्कान पीडीएफ नहीं, अरे अभी डलवाया ही नहीं है मूर्ख प्राणी, तो कहां से मिल जाएगा, आज डलवाएंगे, आज डलवाएंगे भाई, बच्चा पार्टी भी डलवाया ही नहीं है, ठीक है, जब डलवाऊंगी तभी तो मिलेगा, जब अभी मैं कह रही हूँ, मैं आप खुद से बता रही हूँ भाई भी नहीं डलवाया है, ठीक है, आ जाइए। अब मुझे आपसे जो है यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स दिलाएगा ये क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है,
आप 13 टाइम, 13 बार पूछा गया है, 13 बार ये आपके एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, 13 बार पूछा गया है। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में? कहोगे मैम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो क्या है, जो बच्चों आपका यूनिवर्सल रिसीवर है, एक्सेप्टर है। कहने का मतलब कि कोई सा भी सबसे गरीब, ठीक है ऐसे मान के चलो, गरीब गरीब इतना गरीब है, कोई सा भी हो उससे खून मांग लेगा, ठीक है कोई सा भी हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, भाई हमें खून दे जाओ, और सबका खून लेके अपने अंदर लिखवा लेगा, कौन सा, ए बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर आपका, ठीक है ए बी पॉजिटिव इज द राइट, यहाँ पर आपका ए बी ग्रुप आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है चलिए ओके आ जाए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जल्दी से बताओ, ठीक है बच्चों याद रखना, यहाँ पर जितनी ग्लैंड है ना सब किस में आती है, एंडो में, एंडो का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड आती है, कहने का मतलब है जो अपने अंदर से हार्मोन निकाल रही होंगी, ठीक है तो आपसे पूछा गया सबसे छोटी, ठीक है मैं सबसे बड़ी बता देती हूँ, सबसे बड़ी आपकी थायराइड है, ठीक है ये लार्जेस्ट है, एंडोक्राइन की बात कर रही हूँ मैं, याद रखना ये आपकी क्या है, ये आपकी लार्जेस्ट है, और यहाँ आपसे जो है स्मॉलेस्ट पूछी गई है, तो स्मॉलेस्ट आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे स्मॉलेस्ट कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। यस यहाँ देखो बच्चों पिनियल भी आपका आंसर आ सकता है, पिनियल है नहीं तो आप पिट्यूटरी के साथ चलेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं मैम, क्यों, क्योंकि बच्चों जितनी भी ग्लैंड आपकी बॉडी में है, ठीक है मतलब जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सबको यही कंट्रोल करता है, जैसे मैं आपकी मास्टर हूँ, ठीक है मैंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, चलिए वो अलग बात है तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आ जाओ आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, ठीक है बायोडाइवर्सिटी यानी जिसे जैव विविधता कहते हैं, ये शब्द किसने जो है बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। हाँ इसे हम मास्टर्ड ग्लैंड कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर, और मास्टर्ड ऑफ मास्टर्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है जहां से तुम्हें किसी से प्यार होता है, किसी से गुस्सा आती है, किसी से नफरत होती है, सब वहीं से होता है। बताओ जल्दी से, ये देखो मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट से डाले हैं मैंने, जो है जब मैं क्लास में आई थी, ठीक है और जब मैंने हेलो आपसे कहा था तभी मैंने एक शब्द कहा था कि बच्चों आज कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट से डले हैं तो प्यार प्यार से आंसर करना। सबसे पहली बात मैम बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, तो बच्चों इसका मतलब होता है जब बहुत तरीके के स्पेसीज, डिफरेंट टाइप के स्पेसीज क्या हो, एक साथ जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जो है क्षेत्र में रह रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इस शब्द को किसने बनाया था, इस शब्द को किसने बताया था मैं कहना चाहूंगी कि भाई ये सब किसी ने, नन ऑफ दिस किसी ने नहीं बनाया था, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है ठीक है। जो जितने बच्चों ने तुक्का लगाया है सबका गलत है, ठीक है क्योंकि यहाँ पे सही आंसर आएगा, उनका नाम था वॉल्टर, ठीक है उनका नाम था वॉल्टर जी रोसन, ठीक है उनका नाम था जिन्होंने ये जो है क्वाइन किया था, उनका नाम था वॉल्टर जी रोसन, जल्दी से लिख लो, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से कह रहे जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देना, ठीक है जी। देखो बच्चों जो एनिमल किंगडम से मैंने क्वेश्चन पूछे थे ना, और जो फिजिक्स के क्वेश्चन मैं कई बार लाती हूँ ना, वो आपके एनटीपीसी से ही लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है चलो। अरे पागल बना दिया मैम ने, पागल नहीं बनाया, तुम ज्यादा तेज बन के खेलते हो इसलिए था क्वेश्चन, ठीक है कि किसी एक के साथ तो तुम जाओगे ही। आपसे पूछा जाए गोरिल्ला गिब्बन शामिल है जो कार्निवोरा के साथ स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, जिसमें शामिल होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है कि जो है जो आप जहां पर आपके गोरिल्ला और गिब्बन है, ठीक है जिस जिसमें जिस उसमें फाइलम में हम कह सकते हैं गोरिल्ला और गिब्बन रखे गए हैं बच्चों, ठीक है और वहां पर क्या है, वो मैमल्स हैं बच्चों, ठीक है यानी वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि उनमें इनमें से उसी वर्ग में और किसे हम रखेंगे, ठीक है और वो क्या है, वो आपके बच्चों कार्निवोरा है। कार्निवोरा का मतलब है बच्चों जो मीट खाते हो, ठीक है जो क्या खाते हो, मीट खाते हो, मांस खाते हो, तो क्या सही आंसर आएगा, जो मीट खाते हो वो सही आंसर आएगा, ठीक है जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करो। विष्णु का आंसर आया है बी, जय कुमार का आंसर, देखो मैंने देखा कि अब आप आंसर कम दे रहे हैं, ठीक है जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं आप जो है आंसर कम दे रहे हैं। बच्चों याद रखना इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं आता है स्क्रीन शॉट लो समझो, ठीक है और मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी थ्योरी क्लास में इन्वायरमेंट की पूरी 6 से 7 क्लास इन्वायरमेंट पे थ्योरी ले लूँ, ठीक है अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है तो वो बता सकता है, मैं ले लूंगी, ठीक है
बता देना, मतलब अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, टाइगर कैट्स डॉग यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तीनों ही बच्चों आपको पता है मीट खाते हैं, और टाइगर की अगर हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या हो जाएगा, पैंथेरा 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 टिग्रिस इसका क्या है, पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और मैंने कराया भी है कि टाइगर, ठीक है, लेपर्ड, तेंदुआ, ठीक है, लॉयन, सबका मैंने साइंटिफिक नेम करा रखा है। टाइगर का आपको याद रखना है क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है फ्री का क्वेश्चन, फ्री का जो है मार्क्स, अगर आपके क्वेश्चन कितनी बार, 6 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्या पता है जो है 7 बार हो जाए, कहने का मतलब आपके एग्जाम में एक बार आ जाए। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो दिल है प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, जल्दी से। तुम कहते हो ना कि भाई हम जो है जितनी बार दिल धड़कता है उतनी बार आपको याद करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताओ 1 मिनट में तुम कितनी बार याद कर सकते हो, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी, यस बिल्कुल, 72 टाइम्स पर मिनट, बिल्कुल सही आंसर है, 72 टाइम्स पर मिनट, बिल्कुल सही आंसर है, यस। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर किया है, 72, यू आर राइट। चलो अब बताओ, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों पर्यावरण में हानिकारक खतरनाक प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है किस लिए, डिग्रेड करने के लिए, जो आपके पॉल्यूटेंट हैं, जो आपके पर्यावरण में इन्वायरमेंट जो बच्चों पॉल्यूटेंट हैं उनको जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है, उनको डिग्रेड किया जाता है बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आंसर दीजिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। एक बच्चे का आंसर आया 72 किलोमीटर पर आवर। भाई मतलब ऐसे बच्चे, इनका सिलेक्शन कहाँ होगा, मैं ये सोचती हूँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि वो आपके लेवल का हो, बताओ जल्दी से, ऋषि आंसर करो, ऋषि आंसर करो, बी आंसर किया है, चलिए जय कुमार यू आर राइट, बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, पम्मी का आंसर, पम्मी थोड़ा सा आपका आंसर गलत है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आंसर गलत हो गया पम्मी का, पम्मी कंफ्यूज हो गए, पम्मी मैं आपको जो है मतलब कंफ्यूज हो गई है, मैं बताऊंगी कि आप कैसे कंफ्यूज हुई है, मैं उसका आंसर भी दूंगी, ठीक है, आ जाओ। देखो अगर हम बात करें बच्चों, देखना ध्यान से, यहां कहा गया है कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें पॉल्यूटेंट को हमेशा के लिए मतलब खत्म कर दिया जाए, तो अगर कोई चीज हम खत्म करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई चीज मतलब पॉल्यूटेंट को खत्म कर दिया जाए, तो वहां पर आपका सही आंसर क्या आएगा, बायो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडिएशन, ठीक है, लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसे बस बच्चों जो है कम किया जाए, अगर कम किया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो सॉरी उसे बायो रेमेडिएशन कहते हैं, और बस अगर कम किया जाए, खत्म नहीं, उसे बस कम किया जाए, और ये भी बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो रेमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्दों में एक बार फिर से बताऊंगी, दोनों शब्दों में क्या है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मैम, ध्यान से सुनो, मैंने कहा है बच्चों कि क्या कहा है, मैंने ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैंने कहा है कि अगर आप किसी अगर आप पॉल्यूटेंट को क्या करते हैं, हमेशा के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी सूक्ष्म जीव के थ्रू हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बायो रेमेडिएशन। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे बस कम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो रेमेडिएशन। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि खत्म कर देते हैं, तो यहां पर इसलिए आपका सही आंसर आएगा बायो रेमेडिएशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसे डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है काले हिरण के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व किस शहर राज्य में बनेगा, जल्दी से बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि काले हिरण, ठीक है, ब्लैक बक के लिए, ठीक है, काले हिरण के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व किस शहर राज्य में बनेगा, भोपाल, उदयपुर, इलाहाबाद, जल्दी से बताएंगे, कोची का आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट, क्या आंसर आएगा, चलिए देखो मैं एक बात बताऊं बच्चों,
एक बार ना मुझे जो कमेंट बॉक्स है ना, मतलब वीडियो के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद, अभी तो मैं देख नहीं पाऊंगी सही से, लेकिन आप मुझे ये जरूर बताया करें कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन आपने सच में ऑनेस्टी से, आपने कितने क्वेश्चन जो है आपने क्या किए हैं, सही किए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी फेंक दो। है मैम कि आपने 50 में 50 कराया, मैंने 50 में 50। मैं समझ जाऊंगी कि कोई कौन सा बच्चा किस हिसाब से आंसर देता है। मैं कमेंट सबके नहीं पढ़ती हूँ तो, लेकिन याद रखना मेरी नजर सबके कमेंट्स पे जाती है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका लेवल यहाँ तक है, इतना तो मैं जानती हूँ। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यस मैम आज आपने इतने क्वेश्चंस कराए हैं और हमारे इतने क्वेश्चंस ठीक गए हैं। बताइए कि आंसर सही है। यस बच्चों सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, अलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यू आर राइट, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हैरी, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा बच्चों, क्या नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? आपको पता है बहुत सारी बीमारियां हमें पॉल्यूशन से होती हैं। ठीक है, तो एक आपका क्या है, नॉक नी सिंड्रोम है। नॉक नी सिंड्रोम अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है बच्चों, आपको पता है जब आपको कोई जो है पुलिस वगैरह में आप को लिया जाता है, ठीक है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो बच्चों ये सब सारी चीजें चेक की जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो नॉक नी सिंड्रोम है ये किस पॉल्यूटेंट, किस प्रदूषक के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर करने की कोशिश करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना, और भेड़ चाल नहीं चलना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। और भाई सच में आज तुमने कमाल कर दिया। ठीक है, आज 277 अगर यहाँ पर वॉचिंग चल रही है तो 277 यहाँ पर क्या है, लाइक है। ठीक है, मतलब दिल खुश कर दिया है तुमने आज, वाओ मजा आ गया आज। ठीक है, आज मुझे लग रहा है कि आज भाई बच्चे काम के हैं। चलो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर आएगा फटाफट करो जल्दी जल्दी। यस यस यस, चलिए फ्लोराइड, बिल्कुल बच्चों याद रखना कि फ्लोराइड की कमी से, ठीक है, आपके जो है नी वगैरह में जो प्रॉब्लम होती है फ्लोराइड की कमी से होती है। मरकरी से क्या होगा, मीना माता डिसीज। ठीक है, मीना माता डिसीज आपको किससे होगा, मरकरी से होगा। आर्सेनिक बच्चों जो आपका वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, जो आपका वाटर पोल्यूशन है यानी जल प्रदूषण, वहां पर आपका आर्सेनिक आएगा। कैडमियम से पूरा दुनिया जानता है, इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, इटाई इटाई रोग जो कहां हुआ था, सबसे पहले जापान को लोगों में देखा गया था। ठीक है, तो वो कैडमियम के कारण होता है। चलिए तो मुझे लगता है आज के लिए जो है इतना बहुत है ना। बताओ और क्वेश्चन कराया जाए, इतना बहुत है, बताएंगे जल्दी से। फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है, जल्दी बताओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे डले हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। और आज तो और ज्यादा मजा आ रहा है भाई, लाइक ज्यादा है, वॉचिंग कम है ना, ऐसे पढ़ाने में मजा आता है, जल्दी से बताओ। नीरज करें मैम ये सेट एग्जाम के लिए भी है बच्चों, देखो कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है नीरज, कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ना हर अगर इन्वायरमेंट देखा जाए तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन डाले। मैं जो है कुछ ऐसा लेके आती हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके एनटीपीसी एसएससी हर जगह से, हाँ जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मतलब हर हर एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, और याद रखना बच्चों साइंस अलग नहीं होती, साइंस याद रखना, साइंस हर जगह एक जैसी आती है, बस लैंग्वेज थोड़ी इधर से उधर हो जाती है। ये बात आप अपने जो है दिमाग में हमेशा जो है डाल के पढ़ाई करना। ठीक है, हम टीचर्स हम बार बार एक बार इस बैच को पढ़ा रहे हैं, इस बार एक बार इस बैच को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है, याद रखना बस लैंग्वेज इधर से उधर हो जाती है बच्चों, साइंस किसी के लिए बदलती नहीं है, साइंस सब में सेम आती है, बात आपको याद रखना है। चलिए बताइए, तो बच्चों मैंने कहा था कि जैसे तुम्हें बैलेंस, बैलेंस का मतलब है बच्चों कि जैसे आपको बैलेंस शब्द दिखाई दे और बैलेंस से पूछ ले कि तुम्हारा दिमाग का कौन सा भाग है जो बैलेंस कर रहा है, तो याद रखना मैंने कहा था सेरेबेल। ठीक है, सेरेबेलम जो आपका क्या है, आपका बच्चों आपके दिमाग का भाग जो आपका सेरेबेलम है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। यस यू आर राइट, सेरेबेलम यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा बच्चों। बैलेंस, बैलेंस से आपका बैलम, ठीक है, क्या करता है, जब आप ज्यादा पी लेते हैं, ठीक है, ज्यादा पी लेते हैं, ठीक है, आपसे कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा पी ले रहे हैं तो आप गाड़ी नहीं चलाए। ठीक है, हालांकि जब आप ज्यादा पी लेते हैं तो आप यही कहते हैं आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, लेकिन भाई गाड़ी नहीं चलाए क्योंकि आपने पी लिया है। आप अपना बैलेंस नहीं बना सकते तो आप गाड़ी का बैलेंस कहां से बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना बच्चों। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, 6 बार ये भी पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, हम रोज क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल भी बच्चों याद रखना सभी बच्चों को 5 बजे ही आना है। मैं रोज कहती हूँ अपनी क्लास बच्चों 5 PM स्टार्ट हो जाती है, तो आप लेट नहीं आया करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ। ठीक है, हालांकि लास्ट तक इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आपके शुरू के क्वेश्चन अगर निकल जाए, ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है। तो सब टाइम से आया करें, ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी, चलिए आ जाइए। अब जो है चलो 285 प्लस लाइक हो गया है, अब मैं इससे ज्यादा मैं मांगूंगी ही नहीं कि तुम लाइक कर दो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलो
अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें, क्या बात करें, तो ये मैम के बैच के बारे में मैं आपको बता दूं, मैम का बैच है ये कंपल्सरी इंग्लिश का, ठीक है। इसके साथ डेमो क्लासेस हो चुकी है, यूट्यूब पर देख लेना, मैम ने दिया है कि, ठीक है। तो ये कंपल्सरी इंग्लिश का बैच है बच्चों, 23 जून से आया हुआ है, ठीक है। फ्री जूम सेशन मैम आपको इसमें दे रहे हैं, 3999 इसकी फीस रखी गई है, ठीक है। जिस हिसाब से बैच है उस हिसाब से फीस ठीक ठाक है, ठीक है, बिल्कुल कोई ज्यादा नहीं है, है ना। मैम के पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है। स्पोकन इंग्लिश का बैच आया हुआ है, इसकी फीस 2499 है, उससे कम है, आपको पता है, ठीक है। और इसमें 4 to 5:30 PM आपकी क्लास चल रही है, TTS में मैम इसमें क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैम आपको इसमें समझाएंगे, देखो, ठीक है जी। तो मुझे लगता है किसी बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो यहाँ आ सकता है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, सब बच्चे अपना ध्यान रखें, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो बाय बाय अभिषेक, बाय बाय, चलिए तनु, चलिए विष्णु, देखो ये तनु विष्णु, ये मुझे कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं। अंजलि मुस्कान, ये तो अपने रोज के हैं, ठीक है, ये तो बच्चा पार्टी है। तो सब बच्चे जो है रोज आया करें, 5 बजे अपनी क्लास होती है, ठीक है, आ जाया करो आराम से। बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें रीजनिंग मैथ इंग्लिश ये सब पढ़ो, ठीक है, मैम का पढ़ो, लेकिन जो 1 घंटा है शाम का 5 से 6 वो बस आपने साइंस ही पढ़नी है, बस क्लास में पढ़ो, क्लास से बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो चलो भाई अपना ध्यान रखो, आज बहुत सारा लाइक कर दिया तुमने, आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।